हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा पोजीशन सेंसर। ये देखने में कुछ न्यूमेटिक सिलेंडर है उसकी तरह होता है, एंड इसका जो एप्लीकेशन है ये फॉरवर्ड और रिवर्स की जो पोजीशन होती है किसी भी चीज़ में। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये फॉरवर्ड हो गया एंड ये रिवर्स हो गया। तो इस चीज़ की हमें अगर परसेंटेज चाहिए कहीं भी, ये आगे अगर सपोज़ हमने इसके आगे कुछ जोड़ दिया इस तरह से, तो अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ कोई भी चीज़, तो अगर मैं इसे चलाऊं कि ये आगे को जा रहा है तो आगे ये कितने परसेंट जा रहा है और पीछे जो आ रहा है वो कितने परसेंट आ रहा है इसके साथ, उसकी परसेंटेज देखने के लिए हम ये पोजीशन सेंसर लगाते हैं। इंडस्ट्री में बहुत जगह पर इसका यूज़ होता है। जैसे कोई हमने डैम्पर खोलना है, कोई गेट खोलना है, गेट खोलने की हमने पोजीशन देखनी है कि हमारा गेट, हम उसे परसेंटेज में भी देख सकते हैं। जो हमारी HMI है, डिस्प्ले है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा डोर है जो वो कितने परसेंट खुला है। कोई हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर हो, अगर सिलेंडर के बारे में हमें देखना हो कि हमारा सिलेंडर कितना ओपन है, उस तरह से हम ये सेंसर लगा सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के सेंसर आते हैं जिसकी अलग अलग स्ट्रोक होती है। तो इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रोक है दोस्तों, ये 150 mm है जो इसकी स्ट्रोक लेंथ है। ये वाली, ये है इसकी 150 mm, 150 mm। एंड इसको फिजिकली देखेंगे हम, ये न्यूमेटिक सिलेंडर की लगता है, सिलेंडर की तरह लगता है दोस्तों। एंड उसके बाद इसकी माउंटिंग है दोस्तों, बड़ी इजी है। तो ये इसका जो फिक्स माउंटिंग है, यहाँ पे इसकी फिक्स माउंटिंग हो जाएगी। ये मूवेबल माउंटिंग है, तो जो भी हमने जिसका डिस्टेंस देखना है, ये वाला हिस्सा हम उस पर कनेक्ट करेंगे। और इसकी आउटपुट हमें जो मिलेगी वो ये वायर है यहाँ पे, इसमें कोई कनेक्टर नहीं होता, डायरेक्ट वायर यहाँ से निकली हुई है। इस वायर से हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। इस जो ये केबल है, इसमें तीन वायर हैं आगे, ये देखिए, एक हमारी ब्राउन है, एक ब्लू है दोस्तों, और एक येलो है। तीन वायर इससे निकलती है। इसका जो सिग्नल है दोस्तों, वो सिग्नल हमें एनालॉग में मिलता है। दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल, एक एनालॉग। जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है वो 0 और 1, वो ऑफ और ऑन का सिग्नल होता है। जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, ये होता है वेरिएबल सिग्नल। तो जहाँ पे हमें, जैसे 0 to 10 volt, ये वेरिएबल हो गया, कोई रेजिस्टेंस हो गया, ये वेरिएबल हो गया, या हमें 4 to 20 mA का सिग्नल लेते हैं, वो भी हमारा वेरिएबल एनालॉग सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे अब देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे इसका जो मेड है दोस्तों, ये है जेफ्रन, यहाँ पे दिया हुआ है मेड है इसका जेफ्रन, और मेड इन इटली, इटली का बना हुआ है ये। एंड उसके बाद इसका मॉडल नंबर, अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो मॉडल नंबर इसका यहाँ पे दिया हुआ है PZ12A150। ये इसका मॉडल नंबर है एंड ये इसका कोड है दोस्तों। उसके बाद जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज जो हम रेजिस्टेंस की रेंज है, वो यहाँ पे दे रखी है। तो ये रेंज है दोस्तों 6 kΩ, जो इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 6 kΩ रहेगी। तो 6 kΩ हमें वेरिएबल मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी 6 kΩ। अगर हमने इसके ऊपर ट्रांसड्यूसर लगाना है, जैसे कई ट्रांसड्यूसर आते हैं R2I के कन्वर्टर होते हैं, रेजिस्टेंस को वो मिली एम्पियर में कर देते हैं। अगर हमने मिली एम्पियर में देखना है आगे सिग्नल, तो हमें जो उसकी इनपुट है, जो हम ट्रांसड्यूसर खरीदेंगे, कन्वर्टर खरीदेंगे, उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 6 ohm की लेंगे, इस रेंज के हिसाब से लेंगे। और इसमें टॉलरेंस है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लीनियर जो टॉलरेंस रहेगा प्लस माइनस 0.05% रहेगा। जो इसका मतलब है, जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 6 kΩ से 0.05 जो परसेंट है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसका ये थोड़ा सा इसमें परसेंटेज रहती है दोस्तों। उसके बाद इसका जो सिंबल है, यहाँ पे दे रखा है किस तरह से है। तो जो हमें, जो यहाँ पे 6 kΩ दे रखा है, ये देखिए 6 kΩ, तो वो हमें कौन कौन सी वायर में मिलेगा अगर हमें डायरेक्ट 6 kΩ देखना है, तो हम वो देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ब्लू और ब्राउन,
ये दोनों है, ये दोनों रेजिस्टेंस है इसके अंदर लगी हुई, ये रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टर्न और एंड टर्न हो गई। तो ब्लू और ब्राउन में अगर देखेंगे हमें 6 किलो ओम के पास रेजिस्टेंस दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो येलो है ये देखिए, यह वेरिएबल, ये इसके साथ भी वेरिएबल होगी और ब्राउन के साथ भी, ब्राउन और ब्लू दोनों के साथ वेरिएबल मिलेगी। एक अप की तरफ वेरिएबल होगी, एक डाउन की तरफ वेरिएबल होगी, तो दोनों साइड हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसे चेक करके भी देखेंगे, उससे पहले इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसकी स्ट्रोक है मैंने बताई थी 150 mm है। IP जो इसकी डस्ट और वाटर प्रोटेक्शन है ये 66 है। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो हम रख सकते हैं स्ट्रोक की वो 10 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसकी लाइफ है जो 100 मिलियन ऑपरेशन हम इसके थ्रू ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो करंट इसके अंदर से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के अंदर से वो निकाल सकते हैं हम 10 mA, इससे ज़्यादा हम इसे करंट नहीं दे सकते। तो ये हमारा जो है सेंसर है जो ख़राब हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस है जो बर्न हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैक्सिमम वोल्टेज जो अप्लाई कर सकते हैं 60 वोल्ट तक इसको हम दे सकते हैं। बाकी इसका अगर आप कंप्लीट डाटा देखना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिकली हमें ज़रूरत होती है तो इसी डाटा की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये किस तरह से फिट होता है उसका एक मैंने सैंपल बनाया यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर शो किया है, ये देखिए न्यूमेटिक सिलेंडर है, ये उसकी स्ट्रोक है आगे जो उसकी स्टेम होती है, ये आगे पीछे अप डाउन रहती है। तो उसी के साथ हम जो इसकी रॉड है ये कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों देखिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। तो जैसे ये अप डाउन होगा साथ ही हमारा जो सेंसर है ये भी अप डाउन होगा, और इसकी वायर के थ्रू हमें जो है सिग्नल मिल जाएगा कि हमारा जो सिलेंडर है ये किस पोजीशन में है। तो अगर पोजीशन किस तरह से होती है दोस्तों, अगर ये पूरा खुला हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100%, और अगर ये क्लोज है तो इस तरफ ये क्लोज होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0%। तो यहाँ पे 0 से लेके 5, 10, 15, 20 आगे आगे हमें जहाँ भी जिस पोजीशन में होगा हमें वो पोजीशन हमारी HMI पे या स्काडा पे हमें मिलती रहेगी, हमें पता लगता रहेगा कि हमारा जो सेंसर है या हमारा जो गेट है डैम्पर है किस पोजीशन में है। ये इस तरह से काम करता है। आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा हमारे बॉयलर पे ये लगे हुए हैं तो किस तरह से वर्क करते हैं उसमें देखेंगे। उसके बाद इसको टेस्ट करके देखते हैं दोस्तों, टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मल्टीमीटर आपने ले लेना है और उसे सेलेक्ट करना है रेजिस्टेंस के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस में रेंज आ चुकी है, तो अभी वायर कनेक्ट करेंगे। तो पहले हमने अगर फुल इसका लेना है तो ब्लू और ब्राउन में लगाएंगे, हमें पूरा 6 किलो ओम आना चाहिए। तो चलिए पहले कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका जो वायर है मल्टीमीटर की प्रोब के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए ब्राउन और ब्लू मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें मिल रही है, ये देखिए 6.6 किलो ओम, जैसे हमारे सेंसर के ऊपर था 6.6 किलो ओम, ये प्रॉपर हमें रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इसमें वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो अगर हम वेरी करेंगे तो हमारी वैल्यू वेरी नहीं होगी। वेरी करने के लिए हमें एक प्रोब येलो के ऊपर लगानी होगी, तो चलिए हम येलो के ऊपर लगाते हैं, देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रोब ब्राउन में और एक प्रोब येलो में वेरिएबल बारी हमारी जो एनालॉग सिग्नल है उसमें मैंने कनेक्ट कर दी है। तो सेंसर हमारा कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे जो मिनिमम रेजिस्टेंस है हमें यहाँ पे 15 ओम मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 15 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अभी जैसे हम सेंसर को अप डाउन करेंगे आगे पीछे करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस है चेंज होगा। देखिए मैं धीरे धीरे से कर रहा हूँ, तो ये देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ पे 0.5 किलो ओम हो गया, 0.7 किलो ओम, 0.8 किलो ओम, यहाँ पे 1 किलो ओम हो गया दोस्तों, ये बढ़ रहा है। देखिए जैसे जैसे ये बाहर आता जाएगा, ये देखिए 2 किलो ओम रेजिस्टेंस हो चुका है, और इसे बाहर करेंगे तो ये देखिए ये हमारा 3 किलो ओम,
मैक्सिमम जो है हमारा 6 किलो का ये है। ये देखिए यहाँ पे हमें, ये देखिए 5 और यहाँ पे 6 किलो में ये इसकी स्ट्रोक पूरी हो चुकी है यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों ये हमारा जो पोजीशन सेंसर है इसको चेक करते हैं। एंड इसको रिवर्स वाला चेक करने के लिए हम ये वाली जो ब्राउन वाली वायर है वो ब्लू में लगाएंगे, तो इसी तरह से हम रिवर्स वाला रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे हम इसको बैक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, जैसे जैसे आगे करेंगे ये बढ़ता जाएगा, पीछे करेंगे ये कम होता जाएगा। अगर हम ये ब्लू वाली वायर यूज़ करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आगे को लेके जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पीछे को लेंगे ये बढ़ जाएगा, तो जैसा कि सिग्नल के ऊपर सिंबल के ऊपर दिखा रखा है। इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, इसके आगे शेयर करता हूँ, तो हमारे पोजीशन सेंसर जो लगा हुआ है वो किस तरह से लगा हुआ है, कैसे इसकी माउंटिंग है। तो दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ बॉयलर पे ये जो पोजीशन सेंसर है यहाँ पे माउंट हो रखा है। इस तरह से इसकी माउंटिंग होती है, आप किसी भी तरह से इसको माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी, जो हमारा ग्रेट है बॉयलर का, वो रिवर्स एंड फॉरवर्ड कंडीशन में जो है मूव करता है। तो ये एक बार आगे जाएगा, एक बार पीछे जाएगा, अभी वे चलेगा, ये देखिए चल रहा है, अभी फॉरवर्ड साइड में ये मूव हुआ है। और ये देखिए ये रॉड है, ये पीछे थी अब आगे चली गई, वो पिस्टन के साथ कनेक्ट है ये पूरा, जैसे पिस्टन आगे पीछे होगा तो ये भी उसके साथ आगे पीछे होगा। दोस्तों ये सारे जितने ग्रेट हैं उनके ऊपर ये वाले जो पोजीशन सेंसर है ये देखिए 1x1 लगे हुए हैं। ये देखिए अब ये रिवर्स आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।